गाजियाबाद में बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया पर हमले का मामला, यूपीएसटीएफ ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अभिनेत्री नरगिस फाखरी के साथ करीब 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड क्लोन कर किया गया ट्रांजैक्शन, नरगिस ने दर्ज कराई शिकायत। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पुल पर फेल हुआ यात्री ट्रेन का इंजन, संबलगढ़ और श्योपुर के बीच आई खराबी, रेस्क्यू टीम ने यात्रियों को बचाया। श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग के वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पर एक्सपर्ट कमेटी ने दी रिपोर्ट, यमुना के इकोसिस्टम को हुआ काफी नुकसान, जुर्माने पर बाद में देगी सुझाव। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने किया था एक्सपर्ट कमेटी का गठन, कमेटी के मुताबिक यमुना को पहुंचे नुकसान की कई साल तक नहीं हो पाएगी भरपाई। यूपी के अलीगढ़ में पुल टूटने पर बीच में लटका अनाज से भरा ट्रक, ट्रक का आधा हिस्सा नहर में, आधा पुल पर टिका। जर्जर पुल को पार करते समय हुआ हादसा, ट्रक गुजरने के दौरान भरभरा कर नहर में गिरा पुल। अयोध्या में बीती रात सावन झूला मेले के दौरान सो रहे कांवड़ियों पर गिरी मंदिर की छत, 2 की मौत, 7 लोग घायल, चारों ओर मची चीख पुकार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दर्दनाक हादसा, जम्मू पठानकोट हाईवे पर एम्बुलेंस हादसे का शिकार, डॉक्टर समेत 3 लोगों की मौत। कानपुर में डफरन अस्पताल के एनआईसीयू में आग से अफरा तफरी, आनन फान में खाली कराया गया अस्पताल, नवजात बच्चों को लेकर सड़क पर भागी महिलाएं। आतंक परस्त पाकिस्तान को मोदी सरकार का कड़ा संदेश, सार्क देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने इस्लामाबाद नहीं जाएंगे अरुण जेटली। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान की नरक से की तुलना, कहा पाकिस्तान जाना और नरक में जाना एक ही बात। सामने आया हिजबुल कमांडर का नया वीडियो, कश्मीर घाटी में लगातार बंद के लिए लोगों का शुक्रिया अदा करता दिख रहा है आतंकवादी। आज मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह पार्कर की शादी, सुरक्षा एजेंसियों के शादी पर रहेगी पैनी नजर। भांजे की शादी में स्काइप के जरिए शामिल हो सकता है दाऊद, दाऊद की दिवंगत बहन हसीना पार्कर का छोटा बेटा है अली शाह। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में लग्जरी कार से आए हाई प्रोफाइल चोरों ने प्रोविजन स्टोर पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद वारदात। जयपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान बाइक रैली में मंत्रियों ने किया ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, बगैर हेलमेट पहने बाइक पर दिखे राज्यवर्धन सिंह राठौर और पीयूष गोयल। मुंबई में राजभवन में मिला 150 मीटर लंबा बंकर, कई दशकों से बंद पड़ा था ब्रिटिशकालीन बंकर। राजस्थान के जोधपुर में छात्र संघ चुनाव से पहले एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुलिस ने जमकर भांजी लाठी। बिहार के सहरसा में डॉक्टर से रंगदारी मांगने के विरोध में सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिलों के डॉक्टर्स ने निकाली रैली, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की धमकी। ग्वालियर नगर निगम गौशाला में गायों की अनदेखी से नाराज वीएचपी और बजरंग दल कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हरिद्वार में बीजेपी विधायक मदन कौशिक और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के समर्थक आपस में भिड़े, जमकर हुआ हंगामा। टीवी अभिनेता अरमान ताहिल के खिलाफ रेप और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने वाली मॉडल का बीती रात मुंबई में ड्रामा, फ्लैट में घुसने को लेकर पुलिस से नोकझोंक। बीती रात मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे पर भिवंडी के पास दर्दनाक सड़क हादसा, 4 की मौत, 1 घायल। गाजियाबाद में फोन रिसीव नहीं करने पर देवर ने भाभी को मारी गोली, महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम, बाद में खुद को भी मारी गोली। हरियाणा के कैथल में स्कूली छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, स्वतंत्रता दिवस समारोह से लौट रही थी पीड़ित। यूपी के सीतापुर में स्कूल से लौट रही छात्रा से रेप की कोशिश, विरोध करने पर चाकुओं से हमला, पीड़ित की हालत गंभीर। कानपुर में समाजवादी पार्टी की नेता को मोबाइल पर मिली धमकी, गोविंदनगर से टिकट की दावेदारी करने पर सोशल साइट पर अश्लील फोटो डालने की बात कही, पुलिस में दर्ज हुई शिकायत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में धाराली नदी में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 5 की दर्दनाक मौत। यूपी के शामली में घर में बंदूक से चली गोली में महिला घायल, पति के मुताबिक सेल्फी लेते समय हुआ हादसा। यमन में भारतीय दूतावास बंद, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दी जानकारी, यमन में युद्ध जैसे हालात। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जाकिर नायक परिवार ट्रस्ट और कंपनियों पर मांगी रिपोर्ट, बैंक खातों की मांगी गई जानकारी। हरिद्वार में उफनते नाले को पार करते समय बाइक सवार की बाल बाल बची जान, स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर युवक को बचाया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारी बारिश के बाद कई जगह पर भूस्खलन, मुसाफिरों पर भारी मुसीबत। यूपी के चंदौली में चकिया इलाके में बांध टूटने से कई गांव जलमग्न, सैकड़ों लोग हुए बेघर।
मध्य प्रदेश के रीवा में बाणसागर परियोजना, बांध के गेट खोले जाने से कई गांवों में घुसा पानी, स्थानीय लोगों पर आफत। बिहार के मनेर में गंगा में उफान के बाद कई गांवों में कटान का खतरा, सरकारी स्कूल का हिस्सा भी चपेट में, प्रशासन ने गांव को खाली कराया। ओलंपिक में बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने पदक की जगाई आस, महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने वर्ल्ड नंबर दो खिलाड़ी चीन की वांग यान को दी शिकस्त, 22-20 21-19 से हराया। आज बैडमिंटन में पुरुषों के क्वार्टर फाइनल में किए श्रीकांत पति की नजरें, शाम 6 बजे होगा मुकाबला। 800 मीटर रेस में महिला एथलीट टिंटू लुका पर निगाहें, कुश्ती में 48 किलोग्राम में विनेश फोगाट से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। कुश्ती में 58 किलोग्राम में साक्षी मलिक पेश करेंगे चुनौती, गोल्फ में व्यक्तिगत मुकाबले में आदित्य अशोक से आस। अमेरिका के लुसियाना में बाढ़ से 8 लोगों की मौत, 40,000 लोग बेघर, राहत और बचाव का काम जारी। अमेरिका के मिशिगन प्रांत में भारी बारिश से आफत, पानी भरने के कारण कई जगह हाईवे बंद, रास्ते में फंसी गाड़ियां। सीरिया के अलेप्पो में बमबारी का सामने आया वीडियो, हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। ग्रीस के एथेंस में टूरिस्ट से भरी बोट स्पीड बोट से टकराई, हादसे में 9 साल की बच्ची समेत 4 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। सिंगर मडोना ने क्यूबा के हवाना में मनाया अपना 58वां जन्मदिन, परिवार और दोस्तों के साथ डांस करते दिखी पॉप स्टार।